हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर ये दोनों लगाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हो वीके लोरिन चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम लगाते हैं वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर। तो इसको करते हैं ओपन। तो ओपन करेंगे मीटर कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का होगा। तो ये पन्नी हटा लेंगे इसमें से। ये एम्पेयर मीटर है, एकदम सही नया फ्रेश। और ये दो पॉइंट है, इसमें बिजली के कनेक्शन होंगे। ये जेम कंपनी का है, एम्पेयर मीटर है इस प्रकार का। सभी मीटर इस प्रकार के होंगे। और पीछे की तरफ ये दो पॉइंट आएंगे जो बिजली के कनेक्शन होंगे। तो हम इसको तो रख देते हैं। और ये दूसरा वोल्ट मीटर है, उसको ओपन करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इस प्रकार का आपको नजर आएगा। तो इसकी पन्नी हटा देते हैं। ये वोल्ट मीटर है और ये एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर में यहाँ बड़ा ए आएगा और वोल्ट मीटर में यहाँ वी आएगा। और वोल्ट मीटर है वो 100, 200, 300, 500 ऐसे लिखा होगा। और एम्पेयर मीटर है वो 10, 20, 30, 40, 50 या 5। छोटा अगर एम्पेयर मीटर है तो छोटा है तो 5 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा इस प्रकार से। वैसे तो यहाँ से पॉइंट है वो 1 से ही होगा, यहाँ से 1, 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 50, 60 एम्पेयर का। ये 60 एम्पेयर से 0 से 60 एम्पेयर तक का लोड बताएगा आपको। तो चलो ये तो ओपन हो गए। अब हम इसको लगाना सीखेंगे, कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास ये बोर्ड है, आप देख रहे हो। ये वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर दोनों मैंने खोल दिए हैं पहले, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो ज़्यादा। इसे खोलना और कसना बहुत ही आसान है और मैं इसे भी आसान तरीका बताऊंगा आपको। तो वीडियो मेरा पूरा देखे। यहाँ एम्पेयर मीटर लगा हुआ था और यहाँ वोल्टेज मीटर लगा हुआ था। कई बार आपको पता भी नहीं हो या नया लगाना हो तो कैसे लगाना है। ये एम्पेयर मीटर है जो बिजली के हमारी मोटर के तार हैं। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि कोई भी बिजली का कार्य करने से पहले आपको बिजली ऑफ करना है या ये किटआउट है वो आपको निकाल देने हैं। मतलब ये है कि आपको कोई भी बिजली का कार्य करने से पहले बिजली को ऑफ करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको शॉर्ट या करंट आ सकता है। ये बिजली, ये एम्पेयर मीटर है। तो इस एम्पेयर मीटर को लगाना है तो आपको चाहे थ्री फेज में लगा लो या सिंगल फेज में लगा लो, आप दोनों किसी में लगा लो। ये एक फेज में लगाना है आपको। तो जो एक फेज, या तो आप बिजली आ रही है उसमें लगा सकते हो, या ये इसमें इस ये किटआउट लग के इसमें यहाँ आया है और यहाँ कट होके यहाँ आ गया इसमें इस प्रकार। तो आपको एक फेज में लगाना है, कहीं एक फेज कट करके दोनों तार लगा देने हैं इसमें। तो हमारा एम्पेयर मीटर काम करने लग जाएगा। एक फेज में लगेगा ये एम्पेयर मीटर, एक फेज का लोड बताता है। चाहे तो आप मोटर के तार के फेज जाता है मोटर में उसमें लगा सकते हैं, चाहे बिजली का फेज आता है वो उसमें लगा सकते हैं, कहीं पे लगा सकते हैं ये। अब हमें वोल्ट मीटर है, वोल्टेज जो वोल्टेज नापने का वो ये कार्य करता है। तो वोल्टेज, वोल्टेज मीटर लगाना हो तो इसमें दो फेज लगाना है। चाहे तो थ्री फेज हो तो दो फेज के कनेक्शन करना है, और सिंगल फेज हो तो अर्थ और फेज का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल और फेज, अर्थ फेज के कनेक्शन होंगे तो हमारा अर्थ फेज का जो वोल्टेज आएगा वो बता देगा। या दो फेज में, थ्री फेज में लगाते हो तो दो फेज के कनेक्शन होंगे तो दो फेज के जो वोल्टेज आएंगे वो बता देगा। तो हम इसको फिटिंग करते हैं, आपको लगा के बता देता हूँ मैं। ये वॉशर और डेबरी या बोल्ट मैंने खोल लिए हैं पहले।
इस प्रकार आपको भी खोल लेना है और दोनों तार में लगाना है। इस प्रकार पहले एक एक वाशर डाल देना है और फिर आपको घुमा के साइज के हिसाब से देख लेना है कि ये इस प्रकार लगेगा, उल्टा लगाना है या ऐसे नहीं लगाना है। ऐसे लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, तो हमें पहले देख लेना है। इस प्रकार हमें इस तार को इस प्रकार एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर लगाना है आपको, और कनेक्शन कर देने हैं, लूज नहीं रखने हैं कनेक्शन, ये ध्यान रखना है। ये एम्पेयर मीटर है, वो पेच जो एक पेच में लगेगा, चाहे तो अर्थ प्लग में लगा दो या पेच में लगा दो, वो एक ही बात है। सिंगल पेच में और थ्री पेच में होगा तो थ्री पेच में, तीनों पेच में किसी एक पेच में लगेगा। एक पेच का तार है, उसमें कट करके एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट ये इधर वाला, दो पॉइंट होंगे, वो दोनों पॉइंट में दोनों तार लगाने हैं आपको। और ये वोल्टेज मीटर है, जो वोल्ट मीटर है वोल्टेज बताता है, तो वोल्टेज मीटर अर्थ या पेच दोनों में दो तार जाएंगे, एक तार अर्थ का जाएगा और एक तार पेच का जाएगा। ये दोनों तार लगाओगे, अर्थ पेच लगाओगे, जब अर्थ पेच के जितने वोल्टेज हैं वो वोल्टेज बता देगा, और दोनों पेच पेच पे लगाओगे थ्री पेच पे तो दो पेच इसमें जाएंगे, कोई से भी दो पेच दे सकते हो आप। दो पेच दोगे तो दोनों पेच के वोल्टेज बता देगा कितना पेच है, कितना वोल्टेज है। तो इस प्रकार वोल्टेज और एम्पेयर में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। वोल्टेज घड़ी और एम्पेयर घड़ी आसानी से लगा सकते हो आप। ये सिंगल पेच का स्टार्टर है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।